आज हम आए हैं पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में, जिसका पुराना नाम लायलपुर है। इस शहर के लोग हिस्से मजा हो या खाबे, किसी भी चीज में लाहौरियों से कम नहीं है। हम पहुंचे हैं फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में मौजूद मशहूर आसिफ जी समोसा शॉप पर, जिसको पाकिस्तान का सबसे मुनफरद और महंगा समोसा कहा जाता है और कश्मीर घी में इसको तैयार किया जाता है, जिसकी क्वालिटी इंतहाई शानदार है और जायका इंतहाई जानदार। आइए जानते हैं इनके जायके का सीक्रेट। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई, हम आपके पास आए हैं फैसलाबाद सारा घूमकर, आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं आपके समोसे की, तो आपके ख्याल में आपके समोसे किस वजह से ज्यादा हिट हो रहे हैं? तारीफ सब तो पहला अल्लाह पाक दी है जी, जिदी मेहरबानी दे नाल सारी करम नवाजी हुई है। बाकी अलहमदुल्ला जिहड़ा भी बंदा दुकानदार है ना, जिन्हें भी समोसे तुसी हो के आए हैं, मैं कहूँगा उन्होंने कि मटीरियल अच्छा इस्तेमाल करो, अलहमदुल्ला म्यार दो गाहक नूं, तो इंशाअल्लाह ताला बरकत पै जी। और आपके बारे में एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी, जिसमें बताया गया कि आपका सबसे महंगा समोसा है पाकिस्तान का, तो क्या ये बात सच है? हाँ जी, महंगा है, जिहड़े बंदे नूं नवां सुनने नूं मिलदा ना जी, उन्हां वास्ते महंगा ही है, क्योंकि जी क्वालिटी होंगी ना वो तो समझौता नहीं होंगे, महंगी होंगी है। मसलन अगर असी देखिए कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा वा, वह म्यार ज़्यादा वा अलहमदुल्ला, और रेट भी ज़्यादा वा, इस तरह ही असं अलहमदुल्ला ना अच्छी क्वालिटी बनाने, अल्लाह ने आपी मल्टीनेशनल भी कर देना। तो आप मुझे बताइए आपके पास कौन कौन से समोसे हैं? असं रूटीन के चिकन वाला बनाने, आर्डर के उपर मटन और बीफ तैयार कर। और इनकी कीमतें भी बता दो। चिकन वाला समोसा जो हूँ 240 है, 10 लैस पहले 250 से, जो घ्यो का रेट बढ़ता वधा लें, घटदा घटा लें, हूँ अजकल घ्यो घट वा, इस करके 10 लैस की हुई है। मटन वाला जो 340 रुपये का वा, बीफ वाला 280 रुपये। और समोसों के अलावा आपकी चटनी की भी बड़ी तरीके सुनी है, हाँ उसके बारे में बताइए। चटनी अलहमदुल्ला साढ़े को चार किस्म की होंगी, ड्राई फ्रूट वाली होंगी, फ्रूट वाली होंगी, रायता होंगे, चने होंगे। हाँ देखो चने वाली चटनी है, आ होगी फ्रूट वाली चटनी, आ उपर रायता हो गया, आ सलाद हो गई, आ हुण गर्मी आ ते ड्राई फ्रूट इदा हो गया। असल भाई आप अपनी वीडियोस में अक्सर कहते हैं कि मैं अपना काम ईमानदारी से पूरा करता हूं जी, तो आपके ख्याल में जो दीगर आपके कंपटीटर्स हैं, हां जी, वो क्या ईमानदारी से काम नहीं करते? हां सर, मैं ते थानू एक दसदा चीज है, आ देखो आ नोट दे ऊपर लिखा है, हसूले रिज़क हलाले ऐन इबादत है, ये हर बंदे नू नजर नहीं आंदा हैगा, असी इस करके अपने काम नू इबादत समझ के करते, हर नोट दे ऊपर लिखा हुंदा है। तो मतलब आप ये कहते हैं कि आप हर चीज में खालिस चलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और आपके जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं देखकर वीडियोस वगैरह, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कल को आपका काम माशाल्लाह चल जाता है, तो उसके बाद क्या आप अपनी क्वालिटी को डाउनग्रेड करेंगे? मैं दस रहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 रुपए तो स्टार्ट किया, अभी 240 रुपए से लैके आया, अगर मैं क्वालिटी का समझौता करना हों तो मैं हालात में मद्देनजर रखते 100 रुपए का कर लेता, भी मेरी बिक्री ज्यादा हो, मैं कस्टमर को नुकसान नहीं देना चाहता, इस करके मैं हर समोसा फ्रैश फ्रैश कट के दिना, जिस तरह तादाद ना समोसे बढ़ते हैं उसी तादाद ना असं बधाने, ये सा खर्चा सगो ज़्यादा आता, लेकिन सानू इहदा लाभ आ तद करके असं इहनू इस तरह काम करते। कभी आपने सोचा नहीं कि कश्मीर की अगर 600 का हो गया तो की और डालना? पौने 700 रुपये किलो होया सीगा, मैं उदों भी अलहमदुल्ला यही इस्तेमाल करता रहा। और आप अपनी लोकेशन के बारे में एक बार लोगों को बता? हाँ जी, लोकेशन हैगी है राजा चौंक गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद। टाइमिंग बता? टाइमिंग हैगी सुबह 11 तो शाम 4-5 बजे। हाँ जी, फ्रेंकली समोसे का जायका टॉप नॉच है, इससे बेहतरीन समोसा शायद ही मैंने आज तक खाया हो। इस समोसे को खाने के बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका जायका बिल्कुल घर जैसा है, क्योंकि इसमें भी क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाता। पाकिस्तान में यह नई चीज़ है कि समोसे की चटनी में अंगूर, केले, बादाम और काजू का मिलना, लेकिन हकीकत में ये कम्बिनेशन कमाल है। कस्टमर्स के रिव्यू के बगैर इस समोसे को रेट करना गलत होगा, तो आइए जानते हैं कस्टमर्स की राय। कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो भी बड़े हमारी फेज होते हैं, लोग क्या सोचते हैं? तो यहाँ पर एक कस्टमर हमारे पास मौजूद, भाई अपना नाम बताइए। मोहम्मद नवीद। और आप आसिफ भाई के पास कब से आ रहे हैं समोसे के लिए? आसिफ भाई के पास कम से कम हम 13-14 साल से आ रहे हैं। तो इनके समोसे में ऐसी क्या चीज़ें कि फैसलाबाद में या गुलाम मोहम्मदाबाद में एक इनके समोसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता है, और कश्मीर भी वो अपना ही इस्तेमाल करते हैं, और समोसा खाने के बाद जलन वगैरह महसूस नहीं होती, क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेट पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और कस्टमर जो है वो अपना क्वालिटी जो है ना
अच्छी है तो आता है। मैं सरगोधा रोड से आ रहा हूँ और मेरे दोस्त भी हैं, हम हफ्ते में 2-3 दफ़ा आते ही रहते हैं इंशाल्लाह।